मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो बच्चों, आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोग थोड़े से टेंशन में जरूर होंगे। तो आज के सेशन में बेटा हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम उस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि मैडम ने तो भाई अभी तक एक और दो यूनिट को खत्म कर दिया है ना। एक अंक वाले प्रश्न की बात हो गई, दो अंक वाले प्रश्न की बात हो गई, तीन की बात हो गई और पांच अंकों की बात भी हो गई। तो आज के लेक्चर में बेटा हम पढ़ने वाले हैं तीसरा यूनिट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई तीन जो आपके तीसरे यूनिट से एक अंक वाले कैसे क्वेश्चन बनते हैं, दो अंक वाले कैसे बनेंगे, पांच वाले कैसे बनेंगे, उस पर आज हम फोकस करने वाले हैं। तो चलिए भाई, हम देर नहीं करेंगे और सीधे ही हम अपने टॉपिक जो है हमारा तीसरे यूनिट का एक अंक का जो प्रश्न है, सीधा हम उस पर बात करने वाले हैं। तो उस पर बात करने से पहले आपको याद रखना है कि भाई साहब आपके तीसरे वाले यूनिट में, थर्ड यूनिट में कितने चैप्टर हैं। तो बेटा ध्यान रखना, तीसरे यूनिट जो है उसमें तीन चैप्टर होने वाले हैं, ठीक है। तीसरे यूनिट में कितने चैप्टर हैं आपके, तीन चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। पहला क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा जो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति को देखेंगे, और तीसरा जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की उपयोगिता के बारे में समझेंगे। जिसमें से बेटा ध्यान रखना, अभी तक मैं पांच अंक वाले जो प्रश्न में ज्यादातर देख रही हूं वो कहां से आ रहे हैं, आपके आठवें अध्याय से, अर्थात मानव के रोगों के बारे में। अब उससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है उस पर हम बात करेंगे, आने वाले जो हमारा पांच अंक का क्वेश्चन होगा उस पर हम बात करने वाले हैं। तो अभी आपको देखना है क्या कि इसको आपको अच्छे से करना है पांच अंक के लायक, ठीक है। अभी बताऊंगी कैसे प्रश्न आते हैं जो पांच अंक के ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इसमें हम देखेंगे क्या कि कैसे हम खाद्य मतलब प्रोडक्शन कैसे हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उत्पादन कैसे ज्यादा कर सकते हैं अपने खाने पीने वाली चीजों का, इसके बारे हम बात करने वाले हैं। तीसरा जो यूनिट है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, तो आपको पता ही बेटा मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव की बहुत ज्यादा बहुत अहम भूमिका है उसकी। अब क्या कहे, आप दूध से दही भी बनाते हो तो सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हो, आप इडली डोसा खा रहे हो उसमें सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हो, समझ लो सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता। जो आप बियर भी पीते हो ना, वो भी सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही पीते हो, तो भूलना मत, ठीक है। तो बियर का नाम लेके खुश मत हो जाना, अरे मैडम क्या बोल दी, है ना, आजकल के बच्चे ऐसे ही हो गए हो। तो बच्चों आज हमको क्या पढ़ना है, यूनिट थ्री में एक अंक वाले प्रश्न के ऊपर हमको ध्यान देना है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारा तीन यूनिट का एक अंक का प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन में, ये रहा आपकी स्क्रीन में, भाई पढ़ो क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है क्या, ओपियोइड्स, ओपियोइड्स जो है किस पादप से प्राप्त किया जाता है, जो पूछा उसका आंसर दो। भाई ओपियोइड जो है कौन से प्लांट से प्राप्त करते हैं, तो याद रखोगे कौन सा, पेपावर सोमनीफेरम, ठीक है। क्या लिखा है, पेपावर, पापावर मत बोल देना, पता चला पापावर लिखा रहे हो, ठीक है, पापा का वर तो ये नहीं लिखना। क्या लिखा है, पेपावर सोमनीफेरम से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो आता है, जो पूछा उसका आंसर दो, एक अंक का प्रश्न है तो इसमें कथा लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, जो पूछा उसका आंसर एक लाइन में खत्म कर दो, आगे देखेंगे। चलो नाको, एनएसईओ का पूरा नाम क्या है, सबसे पहले ये जो नाको शब्द है एक संस्था है जो कि आपके एड्स को कंट्रोल करने के लिए इसको लाया गया है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या है भाई साहब, तो आप बताओगे, एन से नेशनल, ए से आपका एड्स, सी से कंट्रोल, एड्स को कंट्रोल करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, ठीक है। चलो भाई हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अच्छा इसी में अब आगे एड्स की बात हो ही गई है, तो एड्स क्या होता है सबसे पहले आप कमेंट करो मुझे, आपने पढ़ा है एड्स के बारे में, क्योंकि आठवें चैप्टर का याद रखना, वही एड्स, वही कैंसर बहुत पूछा जाता है इसमें। तो बेटा ध्यान रखना कि ये जो आपका नेशनल एड्स कंट्रोल है, एड्स का फुल फॉर्म ही होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, किसकी वजह से होता है, तो बेटा ध्यान रखना एड्स जो होता है एचआईवी वायरस की वजह से होता है। देखो एड्स जो होता है,
एड्स, एड्स का पूरा नाम भी याद रखोगे, अभी अभी तीन अंक का प्रश्न आएगा उसमें खाली रखी मैं बताने वाली हूँ। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। लेकिन ये किसके वजह से होता है भाई साहब? आपको एड्स रोग हो ही गया है तो किसके कारण हुआ है ये मुझे बताओ। तो ये होता है बेटा, ध्यान रखोगे, एचआईवी वायरस के कारण होता है। एचआईवी क्या है? वायरस है, और इसी वायरस के कारण ही ये एड्स रोग हो जाता है। चलो भाई मैडम इतना बता दी, अब एड्स में क्या होता है मैडम ये भी बता दो। चलो भाई आप लोग बताओ एड्स में क्या होता है। कभी सुने होंगे कि इसको एड्स हो गया भाई, कई लोग होते हैं कि उसका ब्लड नहीं लेते। अब एड्स हो गया तो ब्लड काहे का ले, ठीक है? तो जब एड्स होता है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता पूरी कम हो जाती है, तभी इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है? और आपके शरीर के अंदर, आपकी खुद की बॉडी के अंदर, देखो मेरा ये बॉडी है, अभी मैं बड़ी चंगी दिख रही हूँ, ठीक है? मतलब एड्स नहीं है मेरे अंदर, ये बताना चाह रही हूँ। क्यों? मेरे अंदर इम्यूनिटी पावर है। इम्यूनिटी पावर कौन बढ़ा रहा है? मेरे शरीर में दो स्पेशल कोशिका है जिसका नाम है बी सेल और टी सेल, ठीक है? अब मेरा जो सेल है बी सेल और टी सेल, जैसे मैं हूं है ना, तो मेरे शरीर में, अब अपने चित्र ऐसे ही बना देती हूँ, पता चला रे मैडम क्या बना दिए, मेरे ही चित्र है, ठीक है? तो देखो ये मैं हूं भाई, स्माइलिंग फेस हमेशा मेरा ये, ठीक? तो अब बताती हूँ कि ये हूं मैं। अब मुझे अब एड्स अभी नहीं हुआ, अगर हो जाता तो मेरी इम्यूनिटी पावर क्या होती? कम हो जाती। और इम्यूनिटी पावर अगर कम हो जाती तो सीधी सीधी बात है मेरी क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती, ठीक है? मैं अपना का है नाम लूं, मैं किसी और का बोल देती हूँ, चलो किसी और का भी नहीं बोलते, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे यहां पर क्या होता है, जो रोगी व्यक्ति होता है उसके अंदर के अंदर भी क्या होता है, दो प्रकार के स्पेशल सेल पाए जाते हैं, बी सेल और टी सेल पाए जाते हैं। और ये बी और टी सेल जो होते हैं बेटा, ध्यान रखोगे, ये जो जब एड्स होता है तो हमारे ये जो टी सेल होता है जिसको हम हेल्पर सेल कहते हैं, मैं पूरा डिटेल बताऊंगी, ध्यान रखना, आने वाले उसमें तीन मार्क्स का जो होगा ना, तीन अंक का प्रश्न, उसमें ये पूरा बताऊंगी सब, अभी सिर्फ सुनो क्या है, ठीक? तो बी सेल और टी सेल को क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। कौन? हमारा ये एड्स, जो एचआईवी वायरस है, ये वायरस की वजह से ही ये बी और टी सेल हो जाते हैं नष्ट, खत्म, ठीक? अब ये खत्म हो जाएंगे तो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया है, वायरस है, कंटिन्यू आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, और हमको क्या करेगा? अटैक कर देता है। मतलब इसी में ही क्या हो रहा है, हमको डिसीज फैलते जाएगा भाई, मेरे अंदर सूक्ष्म जीव आते रहे, आते रहे, आते रहे, तो क्या होगा, मैं तो बीमारी हो जाऊंगी पूरी। तो ये होता है आपके एड्स में। तो उसी को रोकने के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। आई होप ये टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलिसा, ये 2019 जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ रही थी, 12th क्लास थी, तब मेरे में भी यही क्वेश्चन आया था। ये जो आपका 2019 में प्रश्न जो बना हुआ है, ये भी इलिसा, ये फुल फॉर्म मेरे में पूछा गया था, इसलिए मुझे याद आया, क्योंकि मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे इसको मतलब क्या ऐसा बोल के पढ़ाया था कि वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है? और उस समय उनकी बात मैं अच्छा हुआ कि सुन ली थी, कि और ये पढ़ के भी गई थी और ये आया भी। तो ध्यान देना, ये जो इलिसा है इसका पूरा नाम हमेशा पूछा जाता है, तो इसको पूरे फुल फॉर्म को आप याद रखोगे। क्या है भाई? एंजाइम, ई से क्या है? एंजाइम है। एल से क्या है? लिंक्ड है। और आई से इम्यूनो, एस से सॉर्बेंट, ए से एसे, ठीक है? फिर से रिपीट करते हैं, एंजाइम, लिंक्ड, इम्यूनो, सॉर्बेंट, एसे। मेरे साथ आप भी रिपीट करो, एंजाइम लिंक्ड, क्या बोलोगे? एंजाइम लिंक्ड, इम्यूनो सॉर्बेंट, एसे, ठीक है? आप लोगों को भी याद हो गया होगा फुल फॉर्म। चलिए भाई अभी किस लिए होता है भाई? एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा सूचक जांच है, प्रतिरोध, जो प्रतिरोधक क्षमता होता है उसके लिए ये जांच कीट होता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा है, टीकाकरण के दो महत्व लिखिए। चलो भाई टीकाकरण की अब बात हो ही गई है, तो आप बताओ मुझे, आप बचपन से क्या टीका नहीं लगाते हो क्या? कभी देख रहे हो पोलियो का टीका मम्मी लगवाने ले जाती है, कभी देखते हो बीसीजी का टीका लगवाने जाती है, कभी देखते हो आप कोरोना वायरस का टीका लेके जाते हैं, ना हो रहा है ना, अभी कंटिन्यू हम टीका ही तो लगा रहे हैं बचपन से। लेकिन आखिर ये जरूरत क्यों पड़ रही, ये तो सोचो कि हमें टीकाकरण क्यों करना पड़ रहा है, हमें वैक्सीनेशन की जरूरत क्यों आन पड़ रही है। तो बेटा आप ध्यान रखना,
टीकाकरण क्यों लगाया जा रहा है? हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए ही टीकाकरण किया जा रहा है। कैसे भाई? जो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, देख भाई कोई रोग आता है उसके भी यहाँ पे भाई एक रोग आ रहा है, मैं क्या करूँ, डिशुम डिशुम करके मार के भगा रही हूँ। क्यों भगा रही हूँ? मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरे अंदर का सेल कर रहा है। लेकिन ये सेल उत्तेजित कब होगा? जब आपको वैक्सीन लगेगा, तभी तो पहले से एक्टिव होगा ना वो, भाई अब तू आ जा। अभी क्या बोलेगा? अब तू आ जा, अब बताता हूं तेरे को। ये होता है ना, हम क्या करते हैं, कोई जब हमको एक बार मारता है ना, तो हम अपने आप को ना एकदम वो कर देते हैं, अलर्ट कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, अब आने दो तब बताता हूं। ये करते हैं ना हम लोग बचपन से, यही करते लड़ाई, हम लोग को मजा आ जाता है लड़ाई करने में, है ना। तो भाई अब थोड़ा सा ध्यान रखोगे, जब हमारे शरीर में कोई रोग आता है तो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही एक्टिव होता है। कब होगा? जब आप वैक्सीन लगाते हो। तो भाई जब वैक्सीन लगाओगे, जब दूसरे बार आप कोई आपके अंदर बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है, तो वो अलर्ट हो जाएगा और वो जांच लेगा कि भाई यही वाला है जो पहले आ चुका है, तो वो किल कर देगा। तो यही होता है क्या? टीका करण होता है। तो भाई इसके क्या महत्व है, वही तो लिखा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना, अपने अंदर की इम्यूनिटी पावर को ज्यादा बनाना। सेकंड क्या लिखा है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या करेगा? डिशुम डिशुम करके नष्ट कर देगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फिफ्थ की बात करते हैं, पांचवे की, इंटरफेरॉन के दो कार्य लिखिए। अब इंटरफेरॉन भी क्या है भाई? ये भी, लेकिन किसका? शरीर के विषाणु जो होते हैं, विषाणु, उनके संक्रमण से सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो ये करता है इंटरफेरॉन। ठीक है, अब इसको हम एक प्रकार से सुरक्षात्मक तंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? सुरक्षा दे रहा है। किससे? वायरस से। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्या है प्रश्न, मैरी मेलॉन का उपनाम क्या है? आपने टाइफाइड बहुत सुना होगा, टाइफाइड अभी करंट में देखे होंगे, पेपर में भी बहुत आता है, टाइफाइड बहुत लोगों को हो गया, कभी इस संख्या में हो गया, बहुत बढ़ रहा है, बहुत सुना होगा टाइफाइड। ठीक है, तो टाइफाइड आप लोगों को पता है, खूब बुखार हो जाता है, सर्दी खांसी होना शुरू हो जाता है, एकदम सर दर्द होता है, टाइफाइड के लक्षण सबको पता ही होंगे। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइफाइड को ही एक नाम से जाना जाता है, मैरी मेलॉन, या हम यू कहें कि मैरी मेलॉन को ही एक और नाम से जाना जाता है, जिसका उपनाम है क्या? टाइफाइड मैरी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अब की बार मैरी मेलॉन। ठीक, तो अब ध्यान रखो, इस आप जब भी टाइफाइड आए तो मैरी मेलॉन को भी आपको ऐड करके रखना है, जोड़ करके रखना है, ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है भाई, LSD का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म बेटा ध्यान रखोगे, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादातर पूछे जाते हैं, और आपको ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन को कोशिश करो कि एक पेज में ही पूरा लिख करके रखो। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम्स में इजी पड़ जाए। भाई हर पेज में अलग अलग दिया होगा, हर मतलब चैप्टर खोलोगे तो बहुत सारे पेज में दिया होगा, जो सिलेक्टिव चीजें होती हैं, जिनको लगता है कि ये आना निश्चित है, उस चीजों को तो आप एटलीस्ट एक पेज में लिख करके एकदम नोट कर ले। ठीक है, और जहां सोते हो या पढ़ते हो वहां पर लगा लो, दो जगह एक बार देखा करो। ठीक है, चलो LSD जिसको हम कहते हैं लाइसर्जिक अम्ल डाइएथिल एमाइड्स, डाई एथिल एमाइड्स कहते हैं। ठीक है, क्या नाम है? लाइसर्जिक अम्ल डाई एथिल एमाइड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटेपोटेंसी। अब भाई साहब ये टोटेपोटेंसी ऐसा लग रहा है कि हमारा टेटवा ही दबा देना दे, है ना, तो ये टोटेपोटेंसी है बेटा, ध्यान रखो कि इसकी खोज किसने की थी, तो ये की थी स्टीवर्ड में। जो पूछा बता दो कौन खोज किया, स्टीवर्ड ने किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या, रानी खेत बताओ भला, अब ये कोई प्रश्न है क्या? रानी खेत, खेत में क्या करेंगे हम लोग, धान काटने जाएंगे क्या? ठीक है, चलो तो रानी खेत किस जंतु में होने वाला प्रमुख रोग है भाई साहब, अब बता दो। तो रानी जो खेत है वो होता है आपके मुर्गियों में, कुक्कुट में। ठीक है, मुर्गियां जो होती है ना उसमें ये क्या है, एक प्रकार का रोग होता है जो मुर्गियों में हो जाता है। अब जब मुर्गी खाते हो ना तो याद कर रहे ना, ये भी रोग होता है। ठीक है, क्या इसको क्या कहते हैं, रानी खेत। खेत में मिलने नहीं ढूंढने लग जाना कि चलो भाई मुर्गी को काट के खाएंगे, ये नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि रोग है रानी खेत। ठीक है, तो चलिए भाई
आज का जो हमारा सेशन था वो एक अंक के ऊपर था जो हमारा कंप्लीट हुआ। आने वाले सेकंड जो पार्ट होगा वो भी एक अंक का प्रश्न बनेगा, क्योंकि एक अंक वाले यहां से प्रश्न बनते हैं, इसको दो पार्ट में मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए मुझे इजाजत दीजिए, तो इतने क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। आप इसके अगर डिटेल आप चाहते हो कि आपको डिटेल पढ़ना है, मेरे साथ अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में जानना चाहते हो, क्योंकि अभी तो मैं शॉर्ट शॉर्ट करके कर रही हूं, ठीक है। अगर पूरा डिटेल चाहते हो तो आप अभी हमारे एप्लीकेशन में जाओगे। क्या है भाई हमारा एप्लीकेशन, सबको याद हो ही गया होगा, विप्सा एप्लीकेशन जो है वो आप अपने प्ले स्टोर पर जाओ और डाउनलोड करो, या तो फिर क्रोम में सर्च मार दो भाई वहां पर www.abhipsha.in पर, वहां पर भी आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मुझे इजाजत दो, धन्यवाद।